So now let us talk about resistance of the conductor. This is another part of Ohm's law. तो resistance के बारे में वैसे तो हम पहली बात कर चुके हैं. हमने क्या कहा था, जब हम सोर्स ऑफ पीडी को अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लगता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करने के लिए. वंस द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रॉन्स खुद के साथ, वॉल के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ, इस सब के साथ कोलाइड करते हैं. ये कोलिजन क्या करता है, इनके स्पीड को ब्रेक कर देता है. तो ये इंक्रीजिंग स्पीड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं बढ़ते हैं, बल्कि ये ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. और यहीं पर एक जो फैक्टर आता है उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में, जैसे कि उसका डेफिनेशन क्या कहता है. तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच द कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब आते हैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म पर, वो हमने ऑलरेडी ओम्स लॉ में दिखा था. हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, दैट इज आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. अच्छा, रेजिस्टेंस वी और आई को छोड़ के और चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना थिक है या कितना थिन है वायर. तीसरा है नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी मटीरियल क्या है उसका. और चौथा है उसका टेम्परेचर. इन बातों पर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा लेटर ऑन आते हैं उस चीज पर. फिर आ जाता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या होंगे, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ करंट. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट. पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है. तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट अपॉन एम्पियर. और वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम कहते हैं ओम, बिकॉज ओम्स ने ही इस चीज को डिस्कवर किया था. तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज नथिंग बट ओम. तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिंबल है वो ओम का सिंबल है ये चीज. तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. तो कभी कई बार आता है कि भाई अब डिफाइन कीजिए 1 ओम क्या है. तो हम ऐसा कह सकते हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड पर मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर जो करंट बह रहा है वो अगर 1 एम्पियर है, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा. इफ यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, 1 ओम्स होगा. अब आते हैं कि लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है. तो अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो आप ये मान लेना कि बाकी तीन चीज जो है, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, ये कॉन्स्टेंट है. तो अगर मैंने दो वायर ले लिए, एक वायर जो है वो 1 मीटर लंबा है, दूसरा वायर 3 मीटर लंबा है. अब जो आयन्स है, अपने इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, वो जब फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो 3 मीटर वायर में उनको लंबा डिस्टेंस कवर करना है. अगर उनको लंबा डिस्टेंस कवर करना है तो उनका जो कोलिजन होगा वो लंबे टाइम तक होगा. अगर कोलिजन लंबा दूरी तक हुआ तो कोलिजन ही रेजिस्टेंस लेके आता है, अपोजिशन लेके आता है. तो कोलिजन अगर ज्यादा हुआ तो अपोजिशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ग्रेटर द लेंथ, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. वायर का लेंथ आप बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, अगर बाकी के तीन चीज कॉन्स्टेंट है तो. फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक मैंने थिन वायर ले लिया, एक मैंने थिक वायर ले लिया. तो थिन वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए जगह कम है, थिकर वायर में वहीं पर कंपेटिवली बाकी अगर बाकी सारे चीज, बाकी तीन चीज कॉन्स्टेंट है तो, यानी लेंथ, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मटीरियल अगर ये कॉन्स्टेंट है तो एक में हमने थिन वायर लिया, एक हमने थिक वायर लिया. तो थिन वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कम जगह है, थिकर वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह है. तो थिन वायर में कोलिजन ज्यादा होगा, थिकर वायर में कोलिजन कम होगा. जहां पर कोलिजन ज्यादा हुआ उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जहां पर कोलिजन कम हुआ वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा. तो थिन वायर में कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा. सो थिनर द वायर मोर इज द रेजिस्टेंस, थिकर द वायर लेस इज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा. टेम्परेचर, बाकी तीन चीजें कॉन्स्टेंट रखें, हमने दो वायर का एक को 20 के टेम्परेचर पर दिया, एक को 60 डिग्री के टेम्परेचर पर दिया. अब क्या होगा 60 डिग्री वाले को, 60 डिग्री वाले का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयन्स हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा, तो उनका जो मोशन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा कंपेयर टू दी अदर वायर. तो इनमें कोलिजन होने का चांसेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. अगर कोलिजन ज्यादा हुआ तो ड्रिफ्ट ज्यादा होगा, अगर ड्रिफ्ट ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा है. रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है. तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर भी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर द टेम्परेचर मोर इज द रेजिस्टेंस। अब आते हैं रेजिस्टेंस और मटीरियल, क्या रेजिस्टेंस कैसे मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो अलग अलग मटीरियल में अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। अगर बाकी तीन चीज सेम है जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ये दोनों वायर को हमने सेम रख दिया, इसको हमने सिल्वर कर लिया, इसको हमने एल्यूमिनियम कर लिया, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल जो है वो अलग है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हमने जाना, हमने उसके फॉर्मूले जाने, उसका यूनिट जाना, उसका SI यूनिट, उसका सिंबल जाना, और वो किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इस चीज को भी हमने जाना। यू कैन कॉपी दिस आउट।